ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिस पर बागली थाना प्रभारी दीपक यादव द्वारा कुछ साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करते हुए एक बड़े चोर गिरोह का खुलासा किया है। बागली थाना प्रभारी दीपक यादव और उनकी टीम द्वारा लगातार इस ओर एक सप्ताह से अधिक समय तक सक्रियता से कार्य किया गया। थाना प्रभारी और उनकी टीम की मेहनत से ही पहली बार इतना बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें 100 से अधिक दो पहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। उक्त गिरोह द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में वाहनों की चोरी कर उनके पार्ट्स निकाल कर बेचते थे। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस द्वारा इस बड़े चोर गिरोह का खुलासा किया गया है। बाइक चोर गिरोह के लोग रेकी कर रात्रि में सुने मकानों के बाहर खड़ी बाइकों को चुरा कर ले जाते थे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला है? देखिए, बागली थाना पुलिस ने एक शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये वाहन चोर गिरोह है। इसे 110 दो पहिया वाहन और चार बड़े चार पहिया वाहन अभी तक हम लोगों ने बरामद किए हैं। ये ऐसा गिरोह है जो वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद उन वाहनों को डिसमेंटल कर देता था और उनके कल पुर्जों को भी बाजार में बेचता था। ये लोग शहरी क्षेत्रों से वाहन चोरी करके ग्रामीण इलाकों में इन वाहनों को खपा देते थे, बेच देते थे सस्ते दामों पर। हमने इस गिरोह का पर्दाफाश करके इनके चेसिस नंबर और गाड़ी नंबर आम जनता के लिए जारी किए हैं। जिन लोगों के वाहन हैं वो संपर्क कर सकते हैं। एक आपने महत्वपूर्ण बात कही कि इनके जो खरीददार हैं या जो इनकी मदद करने वाले हैं, इनको भी आरोपी बनाया जाए। हाँ, ऐसे लोग ये जानबूझ के कि चोरी की गाड़ियाँ खरीदते हैं उसको ऐसे लोग प्रोत्साहित नहीं हो, उनको हतोत्साहित करने के लिए उन सभी लोगों को आरोपी बनाया जाएगा जिन लोगों ने इस तरह के वाहन खरीदे। तो जैसा कि आपने बताया कि बड़ी संख्या में बाइक जब्त किए, चार पहिया वाहन भी पकड़े, ये जो आरोपी थे ये वाहन चोरी करके कहाँ छिपाते थे सभी में? दो तीन हाइड आउट्स इन्होंने बना रखे थे। एक तो अपने ही गाँव जो डेरा है उसके पीछे जंगलों में छिपाते थे जी, और फिर इनके घरों में और दूसरी जगहों पर ये लोग हाइडआउट्स बना के अपने रिश्तेदारों के वाहनों को छुपाते थे। जैसे इनके अच्छे दाम मिलते थे ये लोग उनको बेच देते थे। और भी साथी हैं इनके? अभी तक केवल 3 लोगों को हम लोग पकड़ पाए हैं। लगभग 2 करोड़ का मशरूका हम लोग इनसे अभी तक बरामद कर पाए हैं। निसंदेह इनके और भी साथी हैं, उनको भी हम पकड़। क्या पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद है आरोपी गिरफ्तारी? यस ऑफ कोर्स। इसमें न केवल यही वाहन और जो वाहन इन्होंने लोगों को बेच दिए हैं जो अन्य थाना क्षेत्रों में बेचे हैं उनको सबको भी हम लोग बुला बुलाएंगे। सभी लोगों का आरोपी बना के हम लोग उनको रिकवर करेंगे। बागली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, किस तरह का रिवॉर्ड टीम को दिया? 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा इस गिरोह को पकड़ने के लिए हमने कर रखी थी पहले ही, क्योंकि एक चैलेंजिंग टास्क था हमारे सामने। पिछले 2-3 महीने से लगातार वाहन चोरी की घटनाएं हो रही थी शहर में और शहर के आसपास के इलाकों में। हमने इसको चुनौती के रूप में लिया और आज फाइनली हम इस मुकाम पर पहुंचे कि हमने लगभग 125 गाड़ियां इनसे रिकवर की हैं और भी इतनी गाड़ियां हम लोग इनसे रिकवर। इसके अलावा एक नकबजनी का भी पर्दाफाश किया आपने? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।